शर्मा, 2022 के मिशन में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं डिप्टी सीएम। मिशन 2022 को फतह करना है और बीजेपी ने सभी बड़े लीडर को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गुरु मंत्र डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से दिया गया। तो गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। मिशन 2022 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। फतह करने के लिए बीजेपी अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। वैसे में युवाओं को किस तरीके से मजबूत करना है उसको लेके गोरखपुर आज खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे हुए थे और गुरु मंत्र दिया। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मौजूद हैं, कई जिलों के क्षेत्रों के प्रभारी हैं। पुरुषार्थ जी, किस तरह का गुरु मंत्र आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने? हम लोगों की सामाजिक कार्यशाला हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है। गोरखपुर क्षेत्र में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस कार्यशाला को करने का अवसर मिला। इस कार्यशाला में मैं था, मेरे साथ क्षेत्र के उपाध्यक्ष सूरज राय जी, मनोज मौर्या जी, अभिषेक कुमार जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सफल कार्यशाला को कराने का काम किया है। देखा जाए इस कार्यशाला में कि डिप्टी सीएम ने किस तरह का गुरु मंत्र दिया और अब इसके बाद आप किस तरह से क्षेत्र में जाएंगे? डिप्टी सीएम साहब ने ये बताया कि लगातार कितने, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, चाहे वो अटल जी का समय हो चाहे मोदी जी का समय हो, हमने सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है। आज राष्ट्रपति जी हमारे SC समाज से हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे OBC समाज से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, किसी भी समाज से आता है, किसी भी वर्ग से आता है, तो उसको अपने कार्य के मनोबल पर उसको काम मिलता है, उसको पद मिलता है। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने ये बताया कि हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यानी वो जो कहावत है सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर के आज डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे और बकायदे उन्होंने गुरु मंत्र भी दिया इन नौजवानों को, बीजेपी के नौजवान कार्यकर्ताओं को, कि किस तरीके से उन्हें सफल करना है और किस तरीके से क्षेत्र में जाकर के पूरे दमखम के साथ बीजेपी के लिए वोट की अपील करना है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़।